हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पंकज बोरा, लेक्चर एट मैकेनिकल इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रासलन। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट PG2 202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड द टॉपिक इज द बर्नौली थ्योरम। आज हम बर्नौली थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो यूनिट है आपके बर्नौली थ्योरम, इस यूनिट के अकॉर्डिंग आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है, पहला एनर्जी ऑफ द फ्लूड, दूसरा प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, डेटम एनर्जी एंड द वेंचर मीटर एंड इट्स यूजेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जब फ्लूड रेस्ट में होता है तो केवल एक ही फ्लूड प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक वेट, वो ही सिग्निफिकेंट करती है, क्योंकि फ्लूड जब रेस्ट होता है तब न विस्कोसिटी होती है, न विस्कोसिटी अदर प्रॉपर्टीज कंसिडर, केवल इसका स्पेसिफिक वेट ही कंसिडर किया जाता है। और जब फ्लूड मोशन होता है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द फ्लूड इज इन मोशन, वेरियस अदर फ्लूड प्रॉपर्टीज बिकम सिग्निफिकेंट, दूसरी जो अदर प्रॉपर्टी है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाती है, सच एज द नेचर ऑफ, बिकॉज द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ ए रियल फ्लूड इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक रियल फ्लूड का जो नेचर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एंड द साइंस विच डील्स विद द ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड्स, वो साइंस जो डील करती है ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेज कॉजिंग द मोशन इज नोन एज हाइड्रोकाइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जनरली डील करती है फ्लूड की मोशन की स्टडी करती है, लेकिन जो उस पर जो फोर्सेज लगने वाले फ्लूड एलिमेंट के ऊपर या फ्लूड के ऊपर, उसको वो कंसिडर नहीं करती है। उस ऐसी ब्रांच फ्लूड एलिमेंट्स की ब्रांच को कहते हैं हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, या सिंपल वर्ड से काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व्स मेयरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड इन टर्म्स ऑफ स्पेस टाइम रिलेशनशिप। जो काइनेमेटिक होती है वो जनरली वो डिस्क्रिप्शन है मोशन ऑफ फ्लूड का इन टर्म्स ऑफ स्पेस टाइम रिलेशनशिप में। एंड द साइंस विच डील्स विद एक्शन ऑफ फोर्सेज इन प्रोड्यूसिंग और चेंजिंग मोशन ऑफ फ्लूड इज नोन एज हाइड्रोकाइनेटिक्स, या सिंपल वे में कह सकते हैं काइनेटिक्स, या वो साइंस जो डील करती है एक्शन ऑफ फोर्सेज जिसकी वजह से कोई मोशन प्रोड्यूस हो रही है, कोई जो मोशन है वो चेंज हो रही है फ्लूड की, उससे हम कहते हैं हाइड्रोकाइनेटिक्स। सो द स्टडी ऑफ फ्लूड्स इन मोशन इन्वॉल्व द कंसिडरेशन ऑफ बोथ द काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो जो फ्लूड की जो मोशन की स्टडी है वो करती है, तो वो दोनों की स्टडी करती है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स की। द डायनामिक इक्वेशन ऑफ फ्लूड मोशन इज ऑब्टेंड बाय अप्लाइंग द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू ए फ्लूड एलिमेंट कंसिडर्ड एज ए फ्री बॉडी। सो द डायनामिक इक्वेशन ऑफ फ्लूड मोशन इज ऑब्टेंड बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टू ए फ्लूड एलिमेंट कंसिडर्ड एज ए फ्री बॉडी। And the fluid is assumed to be incompressible non-viscous. तो जो डायनामिक इक्वेशन ऑफ फ्लूड मोशन है उससे हम अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, बाय कंसिडरिंग द फ्लूड एलिमेंट एज ए फ्री बॉडी। जो फ्लूड एलिमेंट होता है उसे हम फ्री बॉडी की तरह कंसिडर करते हैं। सो द डायनामिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो इज द स्टडी ऑफ फ्लूड मोशन। सो द डायनामिक्स ऑफ फ्लूड फ्लो इज द स्टडी ऑफ फ्लूड मोशन विद द फोर्स कॉजिंग फ्लो। जो डायनामिक्स जो है डायनामिक्स ऑफ फ्लूड फ्लूड मोशन की स्टडी है विद द कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेज जो उसको जिसके कारण वो मोशन कॉज होती है। सो द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द फ्लूड इज एनालाइज्ड एंड द डायनामिक बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो द डायनामिक बिहेवियर ऑफ फ्लूड मोशन जो है वो उसे एनालाइज करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जो कि रिलेट करता है एक्सीलेशन विद द फोर्सेस। एंड द फ्लूड इज अज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल एंड इन नॉन विस्कस, और फ्लूड को मानता है कि वो इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है। अब एनर्जी ऑफ फ्लूड, डिफरेंट टाइप ऑफ एयर या एनर्जी आपके लिक्विड एंड मोशन, तीन टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोजिशन अबाउट द सब सूटेबल डेटम लाइन या सब सूटेबल सरफेस लाइन, इट इज डिवाइडेड बाय द एच।
ये जो पोटेंशियल हाइट या पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हाइट की वजह से होती है, ये किसी डेटा लाइन के रेफरेंस में उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाइट जो है वो कितनी है इसे डिनोट करते हैं। वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड, दिस इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, दिस इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड एंड इट इज मेजर्ड एज वी स्क्वायर अपॉन टू जी। ये जो हेड होता है ये फ्लूड की वेलोसिटी की वजह से होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वी स्क्वायर अपॉन टू जी है, जहाँ पर वी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो है और जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है ड्यू टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड होती है और इट्स वैल्यू और इसकी जो वैल्यू होती है वो पी अपॉन रो जी होती है, जहाँ पर पी जो है वो प्रेशर है फ्लूइड का और रो है डेंसिटी। अब जो टोटल हेड या टोटल एनर्जी हो जाती है वो टोटल हेड होता है एच इक्वल टू जेड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल हेड प्लस पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी प्लस वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड या प्रेशर एनर्जी, और टोटल एनर्जी होगी एच इक्वल टू ई इक्वल टू एच इक्वल टू जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस पी अपॉन रो जी न्यूटन टू मीटर अपॉन के जी फॉर लिक्विड। अब है इक्वेशन ऑफ मोशन, अब जानते हैं कि फ्लूड जब मूव करता है मोशन में आता है तो उसकी इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उसको फोर्स लगता है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द नेट फोर्स एफएक्स एक्टिंग ऑन द फ्लूड एलिमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द एक्सीलेशन ए एक्स इन द एक्स डायरेक्शन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ लग रहा है तो एफ फोर्स लग रहा है किसी फ्लूड एंटर है किसी डायरेक्शन एफ फोर्स लग रहा है तो वो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो मास ऑफ फ्लूड होगा इनटू एक्सीलेशन इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में उसका एक्सीलेशन कितना है एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। अब इन्हें फ्लूड फ्लो फॉलोइंग फोर्सेज आर प्रेजेंट, पहला है ग्रेविटी फोर्स, दूसरा प्रेशर फोर्स, चौथा है फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, एफ टी है फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, एफ सी है फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। सो हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा वो होगा इन सबका मिक्सचर, मिक्सचर एफ जी एक्स प्लस एफ पी एक्स प्लस एफ पी एक्स प्लस एफ टी एक्स प्लस एफ पी एक्स। सो द नेट फ्लोज एक्टिंग ऑन अ फ्लूड एलिमेंट इज द सम ऑफ द ग्रेविटी फोर्स, सम ऑफ ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कोसिटी, टर्बुलेंस एंड द कंप्रेसिबिलिटी। अब अगर फ्लूड की हमारी कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो जाए नेग्लिजिबल हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स प्लस एफ पी एक्स प्लस एफ पी एक्स प्लस एफ टी एक्स। और किस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कहते हैं रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें ग्रेविटी फोर्स भी कंसिडर होता है, प्रेशर फोर्स भी कंसिडर होता है, विस्कस फोर्स भी कंसिडर होता है और टर्बुलेंस फोर्स भी कंसिडर करता है, लेकिन जो फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी होता है नेग्लिजिबल करता है, तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अगर इस इक्वेशन में टर्बुलेंस फोर्स को भी जीरो कर दें तो रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है हमारी नेवियर स्टोक इक्वेशन। नेवियर स्टोक इक्वेशन में जो इक्वेशन जो होती है उसमें लगने वाला फोर्सेज जो होते हैं फ्लूड एलिमेंट में होते होते हैं ग्रेविटी फोर्स एफ जी एक्स प्लस एफ पी एक्स प्लस एफ वी एक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स। ये इक्वेशन होती है हमारी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। इफ द फ्लूइड इज अज्यूम्ड टू बी आइडियल सो द विस्कस फोर्स इज जीरो सो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज द आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हमारा विस्कस फ्लूइड को हम आइडियल माने तो विस्कस फोर्स हमारा हो जाएगा जीरो और इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी हमारी आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन इज एफ एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स प्लस एफ पी एक्स। इन द आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन द ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द प्रेशर फोर्स आर कंसिडर्ड। अब हम डिराइव करते हैं आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन को। आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिसमें केवल प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स ही कंसिडर करते हैं। एंड दिस इज डिराइव्ड बाय कंसिडरिंग द मोशन ऑफ ए फ्लूड एलिमेंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम डिराइव करते हैं कंसिडरिंग द मोशन ऑफ फ्लूड
फ्लूड एलिमेंट की मोशन को अलोंग ए स्ट्रीम लाइन। कंसिडर करते हैं कि स्ट्रीम लाइन इन विच द फ्लो इज टेकन प्लेस इन एस डायरेक्शन विच इज शोन इन फिगर। हम एक स्ट्रीम लाइन कंसिडर करते हैं जिसमें फ्लो जो है वो एस डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा है। अगेन कंसिडरिंग ए सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन डी ए एंड लेंथ डी एस। हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर जिसका एरिया जो है डी ए है और लेंथ है डी एस। यह देखिए ये स्ट्रीम लाइन है जिससे मोशन फ्लूड टेक्स प्लेस कर रहा है इस डायरेक्शन की तरफ। ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर किया स्ट्रीम लाइन के अलोंग जिसकी लेंथ है डी एस और एरिया है डी ए। अब जिस पर जो फोर्स लग रहे हैं द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिलेंड्रिकल एलिमेंट आर प्रेशर फोर्स पी डी ए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। दिस इज द प्रेशर फोर्स पी ए डी ए दिस इज द प्रेशर फोर्स पी डी ए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये मैंने फ्लो की डायरेक्शन है फ्लो डायरेक्ट किस डायरेक्शन में करा एस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये हमारी इस डायरेक्शन प्रेशर फोर्स लग रहा है ये है हमारा प्रेशर फोर्स सॉरी प्रेशर फोर्स पी डी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सेकंड प्रेशर फोर्स पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इनटू डी एस इनटू डी ए विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। थर्ड इज द वेट ऑफ द एलिमेंट रो जी डी ए डी एस ये वेट है फ्लूड एलिमेंट का वेट। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्लूड एलिमेंट। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है और ये फ्लूड एलिमेंट का वेट है उसके अलॉन्ग इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो है हमारा थीटा। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फ्लूड एलिमेंट की द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूड एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एस होगा। पहला मास ऑफ द फ्लूड एलिमेंट इंटू एक्सीलरेशन इन दैट डायरेक्शन ऑफ एस। अब उस रिएक्शन में एक्सीलरेशन कितना है ये होता है मास ऑफ द फ्लूड एलिमेंट है रो जी डी ए इंटू डी एस इंटू एक मास एंड सपोज द एक्सीलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ एस इज ए एस equal to the net force acting on fluid element वो होगा pressure force rho dA minus P plus rho del P upon del S into dS into dA minus fluid element का जो वहाँ है उसका cos component minus rho g डी ए डी एस माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू रो ए डी एस इंटू एस। अब ए एस जो है वो है हमारा एक्सीलरेशन द डायरेक्शन ऑफ एस है। ए एस की वैल्यू जो है वो डी वी अपॉन डी टी जहाँ पर वेलोसिटी जो है वो फंक्शन है एस और टी का। इसको हम लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल एस इन मल्टीप्लाइड बाय डी एस बाय डी टी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। यह देखिए डी वी बाय डी टी है तो हमने करके डेल एस डी एस टी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया डेल वी अपॉन डेल एस डी एस अपॉन डी टी प्लस
डेल वी प्लस डेल टी, तो ये हो गया वी डी एस बाई डी टी इक्वल टू होता है वी वी डेल वी अपॉन डेल एस प्लस डेल वी अपॉन डेल टी। अगर हमारा फ्लो जो है वो स्टेडी है तो डेल वी अपॉन डेल टी होगा जीरो, तो हमारा जो एक्सेलेशन जो होगा वो ए एस इक्वल टू वी डेल वी अपॉन डेल एस। अब इसकी इस ए एस की इक्वेशन लिखते हैं, टू में रखते हैं, ये जो इक्वेशन टू है ए एस है इसको इक्वेशन टू में रखते हैं। क्या देखें, रो डी है ये चला गया, तो क्या माइनस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डी एस इंटू डी ए माइनस रो जी, माइनस रो जी डी ए डी एस कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू रो डी ए डी एस इंटू डेल बी अपॉन डेल एस। अब डिवाइड करते हैं रो डी एस डी एस, डिवाइड बाय रो डी एस डी ए मल्टीप्लाई करें तो माइनस को बचेगा माइनस डेल पी अपॉन रो डी एस रो डेल्टा एस माइनस जी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू वी डेल वी अपॉन डेल एस, तो हमारी इक्वेशन होगी डेल पी अपॉन रो डेल एस प्लस जी कॉस ऑफ थीटा प्लस वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एस जीरो। कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो डी जेड अपॉन डी एस है, तो ये हो गया वन बाय रो डी पी अपॉन डी एस प्लस जी डी जेड अपॉन डी एस प्लस वी डी वी अपॉन डी एस। तो यह डी एस जो कॉमन है वो उसको हटा लेते हैं तो हो जाएगी हमारी इक्वेशन डी पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी वी डी। ये जो इक्वेशन है डी पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी जो है ये हमारी आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब बर्नौली इक्वेशन जो है वो इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करता है, बर्नौली इक्वेशन फ्रॉम आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। बर्नौली इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन सच एज इंटीग्रेशन ऑफ दिस पूरी इक्वेशन जो थी इक्वेशन थ्री डी पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाई रो जी डी जेड प्लस वी डी वी इक्वल कॉन्स्टेंट। इफ द फ्लो इज कंप्रेसिबल, अगर फ्लो कंप्रेसिबल है तो रो हमारा कॉन्स्टेंट होगा, तो हमारी जो इक्वेशन रिड्यूस हो गई पी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस वी स्क्वायर बाय अपॉन टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब रो को ऊपर ले जाइए, जी को नीचे, जी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो इक्वेशन फोर है ये हमारी है बर्नौली इक्वेशन, तो इक्वेशन फोर जो है बर्नौली इक्वेशन है ये कहलाती है पी अपॉन रो जी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूड और प्रेशर हेड। एक पी अपॉन रो जी कहलाता है प्रेशर हेड या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूड, वी स्क्वायर अपॉन टू जी कहलाता है काइनेटिक हेड या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, जेड है पोटेंशियल हेड या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट कहलाता है। तो जो बर्नौली इक्वेशन जो डिराइव की थी इसके एजम्पशन जो है वो है, पहला फ्लूड हमारा आइडियल है मतलब विस्कोसिटी हमारी जीरो है, आइडियल फ्लूड है, फ्लो इज स्टेडी है टाइम के साथ, फ्लूड फ्लो की वेलोसिटी एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा, थर्ड
इज फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो में कोई टर्बुलेंसेस नहीं है। अब जो अब अगेन एक बार हम वापस बंडल इक्वेशन को डिराइव करेंगे थोड़ी सिंपल अप्रोच के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल फॉर्मेटेड बाय डेनियल बर्नौली, ये सबको जानना जरूरी है कि बर्नौली इक्वेशन जो डिराइव फॉर्मुलेटेड की गई थी वो डेनियल बर्नौली के द्वारा की गई थी। द डेनियल इट स्टेट दैट एज द स्पीड ऑफ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस, जैसे कि स्पीड ऑफ मूविंग फ्लूइड इंक्रीज होती है, जैसे कि लिक्विड और गैस, द प्रेशर विद इन द फ्लूइड डिक्रीजेस, जो प्रेशर जो है वो द प्रेशर विद इन द फ्लूइड है वो डिक्रीज होता है। बर्नौली प्रिंसिपल फॉर्मेटेड बाय डेनियल बर्नौली एंड स्टेट्स दैट एज द स्पीड ऑफ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस, whether it is liquid or gas, the pressure within the fluid decreases. The pressure जो है fluid में वो decrease होता है. And the total mechanical energy of the moving fluid, जो total energy जो होती है moving fluid की, वो is the sum of the comprising of gravitational potential, gravitational potential energy of elevation, gravitational potential energy of elevation होती है, the energy associated with the fluid pressure, जो fluid pressure से जो energy associated होती है, and the kinetic energy of fluid in motion remains constant, and the kinetic energy of fluid motion remains constant. Bernoulli equation कहती है जो total mechanical energy होती है moving fluid की वो हमेशा constant रहती है, and the total mechanical energy is equal to the gravitational potential energy of elevation plus the energy associated with the fluid pressure एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड मोशन, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो बर्नौली इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो रिलेशन बिटवीन प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड इन ए कंटेनर, और इसके फॉर्मूला जो है वो है पी प्लस रो वी स्क्वायर बाय टू प्लस रो जी एच, ये कॉन्स्टेंट होता है, जहाँ पर पी जो है वो हमारा प्रेशर एग्जिटेड बाय द फ्लूड है, वी है हमारा वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड है, एच इज द हाइट ऑफ द कंटेनर है। बर्नौली इक्वेशन जो है वो इट गिव्स ग्रेट इंसाइट इनटू द बैलेंस बिटवीन प्रेशर वेलोसिटी एंड एलिवेशन, ये एक बैलेंस क्रिएट करता है, बैलेंस बनाता है प्रेशर वेलोसिटी और एलिवेशन में। कंसिडर ए पाइप विद वेरिंग डायमीटर and height through which an incompressible fluid is flowing. The relationship between the cross section A, the flow speed V and the height from the ground Y and the pressure P at two different points is given in the figure below. यह देखिए एक pipe है varying diameter का जिसका inlet पर cross section है A1, outlet पर cross section है A2, इनलेट पर फ्लूड की वेलोसिटी है V1, आउटलेट पर है V2, और इसका जो एलिवेशन है ग्राउंड लेवल से इनलेट की हाइट एलिवेशन की Y1 और आउटलेट की है Y2, और ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो बता रखी है। अब इसके एजम्पशन जो है तो डेंसिटी ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रिमेंस कांस्टेंट एट बोथ द पॉइंट्स, जो फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और दूसरा एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज कंजर्व्ड एज देयर आर नो विस्कस फोर्सेस इन द फ्लूइड, फ्लूइड की एनर्जी वो कंजर्व होती क्योंकि इस फ्लूइड की विस्कोसिटी जो है वो जीरो है, फ्लूइड इज रोटेशनल, सो द नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज dw equal to f1 dx minus f2 dx2,
फोर जो होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू डी वन ए वन डी एक्स वन माइनस डी टू ए टू डी एक्स टू, डी डब्ल्यू का पी वन डी वी माइनस पी टू डी वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, एरिया, एरिया इंटू वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू एलिमेंटल लेंथ होती है वॉल्यूम, तो नेट वर्क डन का पी वन माइनस पी टू इंटू डी वी। वी नो दैट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, we know that the work done on the fluid was due to conservation of gravitational force and change in kinetic energy. So the change in kinetic energy of the fluid is given as dk equal to m2 v2 square by 2 minus m1 v1 square by 2 equal to rho dv, m होता है rho dv क्योंकि mass fluid का mass constant रहेगा, rho dv into v v2 square minus v1 square. dq होगा so the change in potential energy is given as du equal to mgy2 minus mgy1 equal to rho dvg y2 minus y1, and so the kinetic energy is given as dw equal to dk plus du P1 minus P2 to dV equal to 1 by 2 rho dV V2 square minus V1 square plus rho dVg Y2 minus Y1. इसको rearrange करते P1 minus P2 equal to 1 by 2 rho V2 square minus V1 square plus rho g Y2 minus Y1. हम इनको rearrange करते हैं तो होता है P1 plus 1 by 2 P1 plus 1 by 2 rho v1 square plus rho g y1 equal to p2 plus 1 by 2 rho v2 square plus rho g y2. ये जो equation है ये हमारी Bernoulli equation है. अब Bernoulli equation for the real fluid. Bernoulli equation जो derive है वो उसका basic जो assumption है the fluid is viscous. The fluid is non-viscous, fluid is viscid या non-viscous होना चाहिए, so and therefore frictionless, और friction नहीं होना चाहिए Bernoulli fluid, लेकिन जो real fluid होते हैं, but all the real fluids are viscous and they offer resistance to flow, वो resistance to flow करते हैं, so there are always some loss of, so there are always some losses in fluid flows, and hence in the application of Bernoulli equation, these losses have to be taken into consideration. जो friction, real fluid में viscous force होते हैं, इसी वजह से वो flow के flow में resistance offer करते हैं. उस वजह से fluid में losses होते हैं, अगर इनको consider किया जाए Bernoulli equation में, तो Bernoulli equation हो जाएगी हमारी P1 plus rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus HL. जहाँ पर एचएल जो है वो फ्रिक्शन लॉस ऑफ एनर्जी है बिटवीन पॉइंट वन एंड टू. अब हम एनिमेशन के थ्रू इसको समझेंगे.